हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी ट्रिक जो कि मतलब आपके फाइल मैनेजर से रिलेटेड है और आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग इस फाइल एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर यहाँ पर डाउनलोड करके इसको ओपन करते हैं। तो गाइज, इसको जैसे हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पर एक सॉन्ग मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ये सॉन्ग जो है मेमोरी में है मेरे। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है और मूव पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा दूसरी फाइल में ले जाऊँगा तो कुछ इस तरह का ग्रांट परमिशन ऑप्शन देगा, प्लीज़ चूज़ द रूट डायरेक्टली एसडी कार्ड। तो यहाँ पर हम लोग अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। अगर मेमोरी आप फ़ोन में अपने लगाते हैं पहली बार और लगाने के बाद गए जो है आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अगर चाहते हैं फ़ोन से या फिर मेमोरी से कोई भी चीज़ मेमोरी में डालना है तो यहाँ पर आपको एक बार अलाउ करने को परमिशन मांगेगा। तो परमिशन कैसे देना है आपको, यहाँ पर ग्रांट नाउ पे क्लिक करना है। ग्रांट नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन देगा आपको और इस पर उसके बाद थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एसडी कार्ड पे आ जाना है। एसडी कार्ड पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ दिस फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, अलाउ कर देना है। अब उसके बाद गाइस जो है यहाँ पर बैक आते हैं हम लोग और मेमोरी में कुछ भी पेस्ट करना रहे, कुछ भी जैसे कि म्यूजिक में हम लोग वो सॉन्ग पेस्ट कर दें। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉरी ये तो हो रहा है तो अभी हम लोग कैंसिल करते हैं इसको और सेलेक्ट ऑल करके जैसे हम लोग अब यहाँ से थ्री डॉट पे हम लोग फिर से क्लिक करेंगे मूव टू पे। तो गाइस अब नहीं मांग रहा वो ग्रांट नाउ का ऑप्शन और आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, एक बार अलाउ करने का ऑप्शन मांगता है तो आप मेमोरी से कहीं भी कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कॉपी मूव कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ से आप इस तरह से मूव कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय, टेक केयर।